वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सनैलिटी एलिमेंट्स कॉम्पोनेंट्स एंड देन आई एक्सप्लेन टुडे दैट वट अनसक्सेसफुल डिफेंस मेकैनिज्म मीन्स एंड वट इज़ द सक्सेसफुल मेकैनिज़्मुल मेकेनिज्म दैट दैट इज़ गोअर्निंग आवर पर्सनैलिटी एंड सक्सेसफुल जैसे कि नाम के साथ सक्सेसफुल लगा हुआ है तो मेकेनिज़्म का मतलब ये है कि ऐसा सेटअप जो कि हमारी पर्सनलिटी को पॉजिटिवली काम करने के लिए जो है वो मोटिवेट करता है वो कोई भी ऐसा सिस्टम या ऐसा सेटअप जो है वो सक्सेसफुल मेकनिज़म है कि ऐसे मेकेनिज़म के साथ पर्सनलिटी वर्क करती है जिसमें उसको सक्सेस जो है वो मिलती है तो अपने पॉजिटिव अपनी नेगेटिविटी को जब हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं वो सक्सेसफुल मेकेानिज़म है और नेगेटिविटी ये है कि हम जो है अपनी माइंड को माइंड हमारा रियलिस्टिकली जब नहीं सोचता और हमें जो है वो Uh, un, uh, कुछ ऐसी स्टेट ऐसी स्टेट में ले जाता है जिसमें हम अपने आप को समझते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं लेकिन बेसिकली रियलिस्टिकली uh, हम सक्सेसफुल तो नहीं होते लेकिन uh, हमारा माइंड हमें यही मैसेज कन्वे कर रहा होता है कि वी आर सक्सेसफुल बट एक्चुअली द एनवायरमेंट इज़ फोर्सिंग अस टू डू नेगेटिव और थिंकिंग अबाउट अयर सेल्स नेगेटिव बट वी आर सक्सेसफुल समटाइम्स ऐसी हमारी माइंड को कमांड जो है वो मिल रही होती है और उसमें जो अनसक्सेसफुल डिफेंस मेकनिज़म है इसमें रैशनलाइजेशन है कि हम रियलिस्टिकली जब चीज़ों को नहीं देखते हम रैशनल हो के किसी हकीकत को नहीं देखते बल्कि हम फूल्स पैराडाइज में रहते हैं और ये सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही दुरुस्त है बाद अत आपने अपने इर्द गिर्द अक्सर ऐसी पर्सनैलिटीज़ को देखा होगा जो ये कहते हैं कि जो मैंने बात कही है वड एवर द डिसीजन आई हैव टेकन दैट इज़ राइट सो जब इस किस्म की Uh, uh, आपको फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आती किसी पर्सनैलिटी में तो बेसिकली इट इज़ द नेगेटिव साइन ऑफ द पर्सनैलिटी व्हेन वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी बट वी आर ओनली वी हैव क्रिएटेड आवर ऑन वर्ल्ड एंड वी थिंक दैट इट इज़ राइट इट इज़ वंडरफुल वट एवर वी आर डूइंग इट इज़ वंडरफुल सो जब रैशनलाइजेशन की आप यहाँ पे आके uh, मुजाह नहीं करते और बाजात हम इतने रैशनल हो जाते हैं हम कहते हैं जी हर बात की रीज़न ले कर आओ हर बात की लॉजिक ले कर आओ तो बस बस इतना रैशनलाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रीमस्ट होना वो फिर आपके इमोशंस और फीलिंग्स जो हैं उसको भी हर्ट करता है तो हमें बैलेंस के साथ जो है वो चीज़ों को देखने की ज़रूरत होती है फिर आगे रिएक्शन फॉर्मेशन है यहाँ पे ये यह है कि अब अपने और फीलिंग्स को कंट्रोल करके आप अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से हेल्दी बना सकते हैं तो यहाँ जो रिएक्शन फॉर्मेशन ये है कि आप किसी भी एक्शन का रिएक्शन किस तरह से देते हैं ठीक है किसी ने आपके साथ ज़्यादती की है किसी ने आपके साथ जो है वो आपकी पसंदीदा चीज़ों को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया डैमेज कर दिया छीन लिया आपसे तो अब उसका मतलब ये नहीं है कि अब आप जो है वो एक पूरी वेपन लेके तो उस शख़्स जो है उसको डिस्टर्ब करने के लिए चले जाएं मर्डर की तरफ चले जाएं आपके अंदर इस किस्म की ग्रैशन की जो है वो वेव्स चलना शुरू हो जाएं कि मैंने तो ज़रूर इसे बदला लेना है जहाँ ये बदले की बात आती है आपका माइंड स्टक हो जाता है एवरी टाइम यू विल बी थिंकिंग अबाउट द पर्सन दैट हाउ टू पनिश दैट पर्सन ऑलवेज थिंक अबाउट द मैथड्स स्ट्रैटीज टू टेक रिवेंज तो इसकी वजह से आपका पूरा जो थाट फॉर्मेशन है वो सारी की सारी नेगेटिव हो जाएगी आपकी तमाम कामों से तोजो हट के आप सिर्फ इस एक नेगेटिव काम के बारे में सोचना शुरू हो जाएंगे तो यहाँ है कि रिएक्शन जो है इमोशंस और फीलिंग्स को ये कंट्रोल करने के लिए हमेशा बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए कि आप बदला रखने की अगर कुदरत रखते हैं तो जो माफ़ी है वो हमारी दीन में बहुत ज़्यादा पसंद की गई है और अगर आप उसको माफ़ कर देते हैं तो आपकी माइंड जो है वो पीसफुल हो जाता है यकीन कीजिए जब आप नेगेटिव फीलिंग्स के साथ कोई काम करते हैं आपका माइंड पीसफुल नहीं होता रात को नींद भी नहीं आएगी और आप हर वक्त जो है किसी सी नेगेटिविटी uh, के साथ सोएंगे तो आपकी सारा दिन भी अच्छा नहीं गुजरेगा जैसे इसमें मैं यहाँ एक जिक्र करना चाहती हूँ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कानून है कि आप जैसा सोचते हैं वैसी चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं आपका दिन सुबह उठते ही आपने अच्छा सोचना शुरू किया तो आपको सारी चीज़ें अच्छी ही मिलेंगी जिस दिन आप अपने अच्छे मूड के साथ नहीं उठते आपको हर चीज़ बैड न्यूज़ जो है वो सामने से मिलती हैं क्योंकि आपका माइंड के अंदर से जो वेव्स निकलती हैं जो वाइब्स निकलती हैं वो अगली चीज़ों को और आपकी तरफ मैगनेट की तरह अट्रैक्ट करती हैं तो इस वजह से एक्शन तो हो गया है नेगेटिव लेकिन रिएक्शन जो है वो आपका वो किस तरह से आप एवरेज में करेंगे कि अगला बंदा शर्मिंदा हो के आपसे माफ़ी मांगे तो ये चीज़ भी जो है पर्सनैलिटी में जो है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है फिर डिसप्लेसमेंट है आइडेंटिफिकेशन है और कॉम्पनसेशन है ये तीन जो इमोशनस हैं इसका मतलब ये है कि बात आप को किसी भी चीज़ से डिसप्लेसमेंट है आ, आप आपकी वो वाली डिज़ायर जो कि एक कहीं पे प्लेस होने की थी कि मैं यहाँ पे एडजस्ट हो सकता हूँ बड़े अच्छे तरीके से अगर आपकी एडजस्टमेंट वहाँ नहीं होती चाहे वो घर हो ऑफिस हो स्कूल हो कॉलेज हो यूनिवर्सिटी हो तो उस सूरत में ज़बरदस्ती जो है अगले बंदे को जो है लेग पुलिंग के साथ हटा के अपने आप को एडजस्ट करना जो है ये नेगेटिविटी है इससे फिर कंटिन्यूसली जो है वो आपकी जो सोशलाइजेशन है वो भी डिस्टर्ब होती है और आपकी जो प्लेस है वो भी डिस्टर्ब होगी इसी तरह आइडेंटिफिकेशन है आपकी आइडेंटिफिकेशन आपका इमेज होता है आपका इमेज उस वक्त अच्छा बनता है जब आप ये इस तमाम एथिक्स को जो है वो फॉलो कर रहे हों अगलों का ख्याल रख रहे हों और आ, आ, हर एक की खुशी में शामिल होने वाले हों किसी के लिए नेगेटिविटी ना आप क्रिएट करें तो ये आपकी आइडेंटिफिकेशन है फ़लाँ शख्स आपका नाम लेके जब कोई आपकी तारीफ़ करेगा तो वही आपकी आइडेंटिफिकेशन बन जाती है आपके नाम के साथ कंपनसेशन ये है कि Uh, अगर आपको कहीं किसी तरीके से किसी जगह से रिजेक्शन हुई है तो अल्लाह ताला ने एक कॉम्पनसेशन का एक सिस्टम रखा हुआ है अगर आप वक्त का इंतज़ार करें फौरी उस शख्स को जो है वो उसके खिलाफ साजिशें करके जो है वो अपनी जगह को हासिल करने की कोशिश ना की जाए बल्कि ये नेगेटिव जो है ये अनसक्सेसफुल मेकनिज़म जो है इसको सक्सेसफुल मेकनिज़म उसी सूरत में बनाया जा सकता है जब ये तमाम आपके इमोशनस नेगेटिव जो हैं वो पॉजिटिव की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे जब आप ट्रांसफार्म इनको कर लेते हैं पॉजिटिविटी की तरफ तो यू विल बी सक्सेसफुल एंड यू विल गेट सक्सेसफुल डिफेंस मेकानिज़म